एवरीवन, गुड आफ्टरनून। यादव किचन बाय लक्ष्मी में आपका स्वागत है। तो आज हम लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं अपने यूपी स्टाइल में। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लौकी को कट करके ले लिया है और मसाले रेडी किए मैंने। तो मसाले में मैंने 3 चम्मच सरसों डाला है और 6-8-10 कली लहसुन की और 2 हरी मिर्च मैंने डाला। आपको जितना तीखा कम ज़्यादा खाना है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने मसाले रेडी कर लिए हैं पीस के सरसों लहसुन और मिर्च का। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है जिसको तो बनाइए। गरम करने के लिए रख देते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रख दिया कढ़ाई को गरम होने के लिए, गैस ऑन कर लिया है। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें तेल डालेंगे। तो कढ़ाई गरम हो गई है, अब इसमें डालेंगे सरसों तेल। तो यहाँ पे तेल डाल दिया है। तेल गरम हो रहा है, तेल हो गया गरम। तो इसमें जीरा डाल देंगे। इसमें डाल देंगे लौकी। ऐसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। दिया है 2-3 मिनट के लिए, ऐसे इसको पका लेंगे। तो ऐसे हम 2-3 मिनट के लिए ऐसे भूनने के बाद मसाले डालेंगे। ये कच्चे मसाले की लौकी होती है, हमारी यूपी में बनती है। इसे कच्चे मसाले की सब्जी बोलते हैं लौकी की। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें मसाले डाल देंगे जो मैंने पीसे थे सरसों और लहसुन मिर्च वाला। पानी नहीं पड़ेगा इसमें, लौकी खुद पानी छोड़ती है। 2-3 मिनट होने के बाद मसाले डालेंगे और इसमें डाल देंगे फिर हल्दी पाउडर, नमक आप अंदाजे से डालें कि लौकी फिर पकने के बाद कम हो जाएगी। तो नमक थोड़ा कम ही डालें। इसे मिक्स कर लेंगे, देखिए कितना पानी छोड़ रही है, पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा इसमें। इसको ढक कर इसको मसाले वसाले सब कुछ डाल दिया है, नमक हल्दी। अब इसको एकदम लो फ्लेम पे ढक करके पकने देंगे। तो सब मिला लिया, ढक देते हैं। देखिए कितना पानी छोड़ रही है। तो मैं इसे बीच में चला लूंगी, बीच बीच में, ताकि जल लेना। देखिए कितना पानी छोड़ दिया है। ढक देते हैं इसको। तो देख लेते हैं मेरी सब्जी रेडी हुई कि नहीं। ये देखिए पूरा पानी सूख गया है और सब्जी भी अच्छे से पक गई है, लौकी भी सॉफ्ट हो गई है। देखिए सब्जी पक गई है, गैस बंद कर देते हैं। देख पूरा सूख गया है पानी इसका। बंद कर देते हैं गैस। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी लौकी की सब्जी बनके रेडी है। आप भी ऐसे बनाइए। और प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।